पाक टीवी 24 के मौजूद नाजरीन को खुश आमदीद। रूस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी सदर ने कहा कि रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने 2 महीने से भी कम अरसे तक इंसानी जांच के बाद COVID-19 की वैक्सीन को बाकायदा मंजूरी दे दी है। रूस की जानिब से बनाई गई इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल आखिरी मरहले में फिलहाल जारी है। सरकारी टीवी पर खिताब के दौरान रूसी सदर ने गमालिया इंस्टीट्यूट की तैयार करदा यह वैक्सीन इंतहाई मजरूब है और यह उनकी बेटी को भी दी गई। इस वैक्सीन को इंतहाई तरीके से जांच किया गया है और हर पहलू पर बड़े गौर से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रूस जल्द ही बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन की तैयारी शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि रूसी वजारत सेहत की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को आम आवाम पर टेस्ट किया जाएगा जिसको अमूमन PHYSIX-3 ट्रायल का नाम दिया जाता है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए WHO के अदाद व शुमार के मुताबिक कम अज कम 100 के करीब वैक्सीन की जांच जारी है जिनमें तकरीबन 4 कंपनियों की वैक्सीन PHYSIX-3 ट्रायल में दाखिल हैं।